पानी की चौकी भी आपने कहना भारत देश हमारा है। हम गुलाम में आज रेवाड़ी की भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम केएमपी जिटी रोड के ऊपर आई है और ये जो बादली साइड के लोग ये साथी यहाँ जाम कर रहे हैं, इनके माए हमारा भी भारतीय किसान यूनियन रेवाड़ी जिला पूरी कमेटी की किसान साथियों की यहाँ भूमिका है। और हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि सरकार अब सुधर जाओ, नहीं अब एक 10-15 दिन में तुम्हारे मोदी जी की दिल्ली संसद भवन कूच करने की तैयारी हो जाएगी। रही बात या जितने चुनाव हो गए उसमें बीजेपी के खिलाफ किसान मोर्चा इकट्ठा होकर उनके खिलाफ प्रचार करेंगे और यहाँ देख रहे हो कितनी भारी मात्रा में भीड़ है और ये भीड़ अब बढ़ती जाएंगी। जो इन्होंने जाटवाद का खालिस्तान का जो नारा खेला था अभी सरकार का नारा फेल हो गया। तो मैं भारत सरकार से यही अपील करता हूँ कि 3 काले कानून वापस लो, MSP का कानून बनाओ, हम किसानों को अब ज्यादा मजबूर मत करो। यहाँ सब साथी आए हैं उनका, रेवाड़ी जिले की औरतें, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो परमानेंट चलने वाला है। और अब फिलहाल 8 तारीख से हम गदाई का टूल को बंद करवा रहे हैं। हमारा पूरी टीम है, हमारी जो वो सारी टीम 8 तारीख को सुबह सुबह गंगाई चट टूल को बंद करवा देगी। पूरे हरियाणा के अंदर एक ही आवाज उठी है कि गंगाई चट टूल बंद नहीं है और सभी टूल बंद है। हम अब और हमारा कोई का टारगेट ना, हमारा टारगेट है गंगाई चट टूल का, उसको हम बंद करवा देंगे। जो भी फिलहाल रेवाड़ी इलाके में जो भी टूल है उन सभी को आ रहे हैं अपने टूल बंद करवाने का आश्वासन देते हैं। हम बंद करवा देंगे जो भी गंगाईचा है और भी अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो भी टूल लगते हैं उन सभी को बंद करवाने का हमारा आश्वासन। और सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं, हमारे 3 काले कानून बाकी तो सरकार तो कमजोर ही समझ रही है ना। नहीं, आप कमजोर नहीं है, 8 तारीख को टूल फिर बंद हो जाएगा। ठीक भाई, आज जो KMP रोकने का संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था उसके तहत 11 से 4 बजे तक जो KMP रोकने का एक वो निर्णय लिया गया था उसके तहत भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिला रेवाड़ी वाले सारे सदस्य पदाधिकारी सब किसान लोग यहाँ आए हैं। बादली के पास जो KMP रोड है इसको रोक रहे हैं और ये 4 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे और जो केवल इमरजेंसी की कोई सेवा होगी, एम्बुलेंस होगी, केवल उन्हीं को आने जाने दिया जाएगा। मैं इस बीच में एक बात बताना चाहता हूं कि ये हठधर्मी केंद्र सरकार जो किसानों के ऊपर इतने अत्याचार कर रही है उसके लिए इसको केंद्र सरकार को किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, इनके चरण धोके पीने चाहिए कि जब भारतीय आर्थिक स्थिति GDP जो सारे सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हाउसिंग सेक्टर हो, सब में जो नेगेटिव जा रही थी, जो ऋणात्मक थी, उसको किसान ने दोनों तिमाहियों में एक बार 0.03% से और अब के दिसंबर की जो तिमाही खत्म हुई है उसमें 0.04% से पॉजिटिव करके रखा है। तो ये जो GDP की जो दर है वो सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों की जो मेहनत है, जो बॉर्डर पे भी बैठे हैं और उनके बच्चे घर वाले खेतों में भी मेहनत करके आज फसल उगा कर जो इकोनॉमी में सहायता दे रहे हैं उसके हिसाब से केवल एक सेक्टर किसानी सेक्टर से ही GDP प्लस में है। अदरवाइज ये जो केंद्र में सरकार बैठी है AC में बैठी रहती है, इनके तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। किसान अपनी मेहनत, अपने दिमाग, अपनी लगन से खुद काम कर रहा है और इस GDP को, भारत की GDP को आज प्लस में करके रखा है।